हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्धन बाजार कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8604629190 है और इस पर आप मुझसे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बात कर सकते हैं। आज मैं आपको साइकोसोमेटिक इलनेस के बारे में बताऊंगा। साइकोसोमेटिक इलनेस वो बीमारियां होती हैं जो मन से शरीर को अफेक्ट करती हैं, यानी मन पहले बीमार होता है और उसके बाद शरीर तक वो मन की बीमारी शरीर तक पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मन के बीमार होने से शरीर में तकलीफें पैदा हो जाती हैं और इसमें एक दूसरे से अंतः संबंध है, एक दूसरे से आंतरिक संबंध है और ये इंटरकनेक्टेड तकलीफें हैं। अब इसमें जो तकलीफें होती हैं वो कई तरीके की हैं, जैसे कि कोई इमोशन हो या डिप्रेशन हो या कोई इमोशन हो, चिंता हो, फिक्र हो या इस तरीके की कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से जो सिम्प्टोमेटोलॉजी शरीर में पैदा होती है वो कई सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। एक तो जो कॉमन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो सामान्य मन और शरीर के बीच में जो तकलीफें पैदा होती हैं उनमें जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी जो हमारी सांस लेने की और वो फेफड़े सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़े हुए जो संस्थान है और उनसे जुड़ी हुई जो तकलीफ है उसमें एक तो अस्थमा है, यानी अभी तक ये समझा जाता है कि अस्थमा शायद शारीरिक बीमारी है लेकिन ये मन से भी जुड़ी हुई होती है। अगर मानसिक चिंता या फिक्र या इसी कोई और दिक्कत हुई तो उससे यह तकलीफ हो सकती है। दूसरी वैसोमोटर रिनाइटिस है और तीसरी हे फीवर है। ये तीन तकलीफें वैज्ञानिकों ने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से ढूंढ निकाली हैं। तो अगर मन बीमार है तो ये तकलीफें शरीर में हो सकती हैं। दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से जुड़ी तकलीफ है और उसमें नंबर एक पर है पेप्टिक अल्सर, यानी जो आमाशय का अल्सर है उसमें एक बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर की, वो चिंता फिक्र और इससे जुड़ी हुई है। और दूसरी है कोलोनिक डिसऑर्डर, यानी छोटी बड़ी आँत की जो तकलीफें हैं, बड़ी आँत से जुड़ी तकलीफें हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है और दूसरी तकलीफें हैं, ये भी सब इससे मन की तकलीफों से ये जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां स्किन की देखी गई हैं, यानी त्वचा की कुछ ऐसी बीमारियां देखी गई हैं जो कि चिंता फिक्र करने से भी पैदा हो जाती हैं, जिनमें एलर्जी भी है, एक्जिमा है, सोरियासिस है और इसके अलावा कुछ और चमड़ी के विकार हैं, स्किन के डिसऑर्डर हैं, वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चों में मुहासे हो जाते हैं, मुँह में जो है वो एकने हैं या दूसरी तकलीफें हैं इससे जुड़ी हुई, इसी तरीके की काले धब्बे जो आँखों के नीचे पड़ जाते हैं वो भी इसी से ही जुड़ी हुई बीमारियाँ होती हैं। तो ये स्किन डिसऑर्डर भी मन की बीमारी से जुड़े हुए हैं। दूसरा मांसपेशियों के और जॉइंट्स की तकलीफें होती हैं, तो मांसपेशियों और जॉइंट्स में जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और फाइब्रोसाइटिस है, ये दो बीमारियां सिद्ध की जा चुकी हैं कि ये मन की तकलीफ से या चिंता फिक्र भय ये भी करने से जो मानसिक विकार है उनकी वजह से ये तकलीफें होती हैं। इसके अलावा इंडोक्राइन्स का भी है। इंडोक्राइन्स में जो हमारी
ग्रंथियां है, सबसे पहले तो थायराइड का आता है, तो हाइपर थायराइडिज्म भी मन से, मन की बीमारी से जुड़ी हुई तकलीफ है। हाइपर थायराइडिज्म, जिनको हाइपर थायराइडिज्म की तकलीफ है वो साइकोसोमेटिक इलनेस से भी ग्रसित हो सकते हैं। और दूसरा डायबिटीज मेलाइटिस है, यानी डायबिटीज की तकलीफ वो भी साइकोसोमेटिक इलनेस है, मन और शरीर की, मन की विकृत से शरीर में आने वाली बीमारी है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जो हृदय संस्थान है, जो कार्डियोवैस्कुलर है, हृदय संस्थान है, इस ये भी मन की विकृति से, मन की बीमारियों से भी ये ग्रसित हो जाता है। और इसमें जो पहले नंबर पर है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरा कोरोनरी डिसीज है, यानी हृदय के रोग हैं। तीसरा सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज है, यानी कि मस्तिष्क में कोई पैरालिसिस या इस तरीके की दिक्कतें, स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, ये उससे भी जुड़ी तकलीफ है। और चौथा है माइग्रेन, यानी सिर में दर्द, ये चिंता फिक्र से भी हो जाता है। अब जो अगला वैज्ञानिकों ने जो पाया है उसमें है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, उनसे जुड़ी हुई तकलीफ है। जैसे महिलाओं में एमिनोरिया और एलिगोमेनोरिया की तकलीफ होती है, यानी उनके मासिक धर्म में जो तकलीफें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं ये। डिसमेनोरिया की तकलीफ है, मेनोरेजिया की तकलीफ है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है और मेनोपॉजल डिस्टर्बेंसेज हैं। तो ये हार्मोन से जुड़ी हुई हैं। और पुरुषों में भी जो इम्पोटेंसी या सेक्सुअल वो सेक्सुअल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन की या स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से भी होती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि उनको इस तरह की बीमारी है, तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और इसके बारे में लोगों को या जो बीमार हैं उनको भी सोचना चाहिए और अपने चिकित्सक से चर्चा करनी चाहिए। हमारे यहाँ सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो कोई भी हो। और आयुर्वेद की जो लेटेस्ट डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है, ETG आयुर्वेदा स्कैन, वो अकेला यहाँ परीक्षण केंद्र है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद के ब्लड टेस्ट और आयुर्वेद के मूत्र टेस्ट के द्वारा भी डायग्नोसिस की जाती है। इस तरह से पूरा एक पैकेज है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, हम सारी बीमारियों का पहले अध्ययन करके पता करते हैं कि किस तरह की तकलीफ से मरीज जूझ रहा है और उसको क्या वास्तव में प्रॉब्लम है, और उसके निराकरण का प्रयास करते हैं, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और अन्य चिकित्सा विधियों का सहारा लेते हैं। हमारा ये चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को दूसरे लोगों को बताइए। अगर आपका कोई मित्र या कोई साथी या रिश्तेदार ऐसी बीमारी से परेशान है जिसका वो इलाज कराते कराते परेशान हो चुका है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो उसे हमारे केंद्र के बारे में बता दें। धन्यवाद।